दोस्तों, कुदरत के करिश्मे बहुत ही अमेजिंग होते हैं। चाहे परिंदे हो या जानवर या फिर किसी भी टाइप का क्रीचर हो, नेचर में आपको बहुत ही अमेजिंग क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। आज हम आपको नेचर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं, यानी नेचर में अपने आप को छुपा लेते हैं। ये ऐसा अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए करते हैं। इन इंसेक्ट्स की बॉडी कुदरती तौर पर ऐसी होती है जैसे कि ये झाड़ों, फूल और पत्तों के जैसे लगते हैं। प्रेडेटर्स को दिखाई नहीं देता कि ये इंसेक्ट्स कहाँ हैं, और ये इंसेक्ट्स अपनी जान बचा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अमेजिंग इनविजिबल या कैमोफ्लेज इंसेक्ट्स को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लीफ इंसेक्ट। क्या एक लीफ एक इंसेक्ट हो सकता है? हाँ, अगर उस लीफ का सर और छह पैर हो तो। ये इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम फिलियम जाइगेंटियम है। ये इंसेक्ट पत्ते खाते हैं और इन्हीं पत्तों में पूरी तरह ब्लेंड हो जाते हैं अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए। ये लीफ इंसेक्ट बिल्कुल हिलते नहीं और पत्तों की तरह एक्ट करते हैं। इन इंसेक्ट की बॉडी बिल्कुल पत्तों की तरह लगती है और पत्तों पर दिखने वाले वेन्स भी दिखाई देते हैं, और जब पत्ता सूखता है ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। इन इंसेक्ट्स की बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इन इंसेक्ट्स के अंडे भी कैमोफ्लेज जैसे होते हैं, ये सीड्स जैसे लगते हैं, और जब यंग लीफ इंसेक्ट इन अंडों से निकलते हैं तो वो ब्राउन होते हैं, फिर फुली ग्रो होने पर ये इंसेक्ट ग्रीन होने लगते हैं। ये इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ एक ही पेड़ पर बिना हिले गुजार सकते हैं। ये अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। डेड लीफ बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई को ऑरेंज ओक लीफ, इंडियन ओक लीफ या डेड लीफ भी कहा जाता है। इस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नाम कैलिमा इनाकिस है। जब इस तितली के पर बंद होते हैं तो ये बिल्कुल एक डेड लीफ की तरह लगता है। इस तितली के पर बंद होने पर एक पत्ते के शेप के दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये तितली अपने पर खोलती है तो बहुत खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ये डेड लीफ बटरफ्लाईज अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए अपने पर बंद कर लेते हैं ताकि प्रेडेटर्स को लगे कि ये एक सूखा पत्ता है। इस डेड लीफ बटरफ्लाई के पर नीचे की तरफ ब्राउन रंग के होते हैं और इन पर बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह लाइंस बनी होती हैं। मेल और फीमेल डेड लीफ बटरफ्लाईज एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फीमेल डेड लीफ बटरफ्लाईज साइज में थोड़े बड़े होते हैं। कैटिडिड्स। लीफ कैटिडिड्स को बुश क्रिकेट्स या फिर लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट झाड़ों या बुशेस में पाए जाते हैं और दिखने में ग्रासहॉपर या फिर क्रिकेट्स की फैमिली से लगते हैं। एक कैटिडिड इंसेक्ट का लाइफ स्पैन एक साल का होता है, और ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट हैं, जिसका मतलब है कि ये रात को जागते हैं और क्रिकेट्स जैसी आवाज निकालते हैं। इन इंसेक्ट के पर बिल्कुल एक लीफ की तरह होते हैं। कुछ लीफ कैटिडिड के परों पर सफेद धब्बे भी होते हैं जैसे पत्तों पर होते हैं, और ये एक जबरदस्त कैमोफ्लेज बन जाते हैं। ये इंसेक्ट हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं और ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इन इंसेक्ट के तकरीबन 2000 स्पीशीज हैं, और ये कूल ड्राई टेम्परेट रीजन में रहना पसंद करते हैं। ऑर्चिड मैंटिस। ये एक बहुत ही खूबसूरत इंसेक्ट है, क्योंकि ये ऑर्चिड मैंटिस इंसेक्ट एक ऑर्चिड फ्लावर जैसा दिखता है। इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम हेमनोपिस कोरोनेटिस है। इस इंसेक्ट का रंग सफेद और हल्का गुलाबी होता है, और ये ऑर्चिड फ्लावर की तरह कैमोफ्लेज करके अपने खाने का शिकार करते हैं। इनके चार पैर होते हैं जो फूलों के पत्तियों की तरह लगते हैं, और आगे के पैर शिकार करने में काम आते हैं। फीमेल ऑर्चिड मैंटिस मेल से साइज में बड़े होते हैं। ये ऑर्चिड मैंटिस पौधों के ऊपर चढ़कर फूल जैसा कैमोफ्लेज करते हैं और झूलते हैं जैसे कि फूल हवा में झूल रहा है। जब कोई इंसेक्ट इन पर फूल समझकर बैठने लगता है तो ये फौरन इन इंसेक्ट को खा लेते हैं। ऑर्चिड मैंटिस छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं जैसे कि क्रिकेट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज और बीज। ये कभी अपने सिबलिंग को भी खा लेते हैं। जो भी है, ये कुदरत के कैमोफ्लेज इंसेक्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। स्टिक इंसेक्ट और वॉकिंग स्टिक्स। वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट्स को स्टिक बग्स या घोस्ट इंसेक्ट भी कहा जाता है। इन इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम फास्मोटोडी है। क्या आपको यहाँ कोई स्टिक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है? ये इंसेक्ट अपने आप को बहुत खूबी से छुपा लेते हैं। ये इंसेक्ट दिखने में बहुत ही नाजुक हैं, बिल्कुल पतली सी छड़ी की तरह, जो जरा से झटके से टूट भी सकती है। लेकिन इन इंसेक्ट को नाजुक होने से ज्यादा इन्हें अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाना होता है। ये कैमोफ्लेज करके अपने आप को प्रेडेटर्स से बचा लेते हैं। इन इंसेक्ट की बॉडी बिल्कुल एक सूखी छड़ी की तरह होती है। बम्पी स्पॉट्स
से भरी होती है। जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल मूव नहीं करते, और जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो ये अपनी स्टिक जैसी बॉडी को झुलाते हुए मूव करते हैं, जैसे हल्की सी हवा में टहनियां मूव होती हैं। यंग स्टिक इंसेक्ट्स एस्केप करने में थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन अडल्ट वॉकिंग स्टिक या स्टिक इंसेक्ट फौरन अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए नीचे गिर जाते हैं और मूव नहीं करते। ये इंसेक्ट्स यंग होते हैं तो पेल येलो रंग के होते हैं। अडल्ट होने के बाद ये इंसेक्ट्स कोई भी रंग के हो सकते हैं जिसमें ये जंगल में कैमोफ्लाज कर सकें। हरे ब्राउन रंग के भी हो जाते हैं। थॉर्न बग्स, इन इंसेक्ट्स का साइंटिफिक नाम अम्बोनिया क्रासिकॉर्निस है। ये इंसेक्ट साइज में बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन 10 मिलीमीटर के। ये थॉर्न बग्स रंग में हरे या पीले, जिन पर लाल लकीरें और ब्राउन मार्किंग्स होते हैं। इनकी पीठ पर ये मार्किंग्स और ये रंग झाड़ों के ब्रांचेस और प्लांट्स के स्टेम्स में बहुत खूबसूरती से कैमोफ्लाज कर लेते हैं। इनकी पीठ पर हॉर्न जैसे प्रोनोटम बने होते हैं जो इन्हें कांटों के जैसा कैमोफ्लाज बना देते हैं, और परिंदे इन्हें खा नहीं पाते हैं। ये कीड़े नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, मेक्सिको और फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट 0 डिग्री से कम टेम्परेचर्स में सर्वाइव नहीं कर पाते। सैंड ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर्स यूनाइटेड स्टेट्स और साउदर्न कनाडा के ग्रासी और सैंडी सॉइल एरियाज में पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नाम स्पैरोजिमोन खलारी है। अडल्ट मॉटल्ड सैंड ग्रास हॉपर्स टैन होते हैं और इन पर डार्क ब्राउन स्पेकल्स या बैंड्स बने होते हैं जो स्ट्राइप्स की तरह लगते हैं। ये ग्रास हॉपर्स रेत में कैमोफ्लाज करते हैं ताकि प्रेडेटर्स इन्हें खा नहीं पाए। फीमेल सैंड ग्रास हॉपर्स साइज में मेल से बड़े होते हैं। ये ग्रास हॉपर्स खेतों में पाई जाने वाली प्लांट्स और घास पर जीते हैं। ब्लू गामा, नीडल थ्रेड ग्रास और वेस्टर्न वीट ग्रास इनका खाना होता है। डेड लीफ मैंटिस, इन डेड लीफ मैंटिस को डेरोप्लाटिस डेसिकाटा भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इन इंसेक्ट के 3 कलर्स हैं, ब्राउन, ऑरेंज और ब्लैक। इन इंसेक्ट का कैमोफ्लाज इसके मूवमेंट्स के साथ साथ इसके अपीयरेंस को भी हेल्प करता है। अगर इसे परेशान किया जाए तो ये दूसरे पत्तों के साथ धीरे से हिलता है, जैसे हवा में पकड़ा गया हो। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये जमीन पर इस तरह गिर जाता है और बिना हरकत करे बैठ जाता है, बिल्कुल एक पत्ते की तरह। डेड लीफ मैंटिस लीफ इंसेक्ट से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन डेड लीफ मैंटिस ज्यादातर ब्राउन कलर में ही पाया जाता है, जबकि लीफ इंसेक्ट ब्राउन, पेल येलो और हरे रंग के भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही अमेजिंग कैमोफ्लाज इंसेक्ट्स। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।